सब्सक्राइब करें एके फिजिक्स क्लासेस को और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हमको ये देखना है कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसको देखना है। उसमें सबसे पहले आता है मेरा पॉइसन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो पॉइसन्स फॉर्मूला हमको देखना है, पॉइसन्स फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो पॉइसन्स फॉर्मूला है इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। इसको देखने के लिए पॉइसन्स नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? तो कैपिलरी ट्यूब एक पतला सा ट्यूब लेंगे, पतला सा ट्यूब लेंगे पाइप, ठीक है। और इस पाइप में हम लिक्विड का फ्लो करेंगे, उसी लिक्विड का जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। तो इस लिक्विड का फ्लो करेंगे और ये देखेंगे कि वॉल्यूम पर सेकंड में कितना वॉल्यूम पास कर रहा है। फिर से पर सेकंड में मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम पास कर रहा है इसका हम ये देखेंगे। यदि ये कैलकुलेट कर लिए तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकाल लेंगे, ठीक है। पॉइसन्स फॉर्मूला फॉर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के लिए दिया गया, बाकी बाद में इसको फिर मॉडिफिकेशन करके फिर गैस के लिए भी निकाला गया कुछ चेंजिंग करके, ठीक है। तो ऐसा कैपिलरी ट्यूब माना गया और उसमें ये माना गया कि यदि हम क्या करें वॉल्यूम पर सेकेंड में निकाल लें, वॉल्यूम पर सेकेंड में निकाल लें तो हमारा जो निकालने का जो मेन रीजन है वो निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हुए चलते हम लोग, है कि नहीं। तो सबसे पहले एक अजम्पशन माना है तो हम लिख देते हैं जो जो कुछ लिखना है, ठीक है। आप नोट्स बनाइएगा तो नोट्स यहीं पे लिखिए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग, दिख रहा है ना, कैलकुलेटिंग दी कैलकुलेटिंग दी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब से पर सेकेंड वॉल्यूम जो निकलेगा वो निकालने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर बाय कैलकुलेटिंग दी इतना, ठीक है। इसको निकालने के लिए कुछ अजम्पशन मानने पड़े, क्या मानने पड़े, अजम्पशंस लिख लीजिए। अजम्पशंस क्या है सब, पहला अजम्पशन ये हम तीनों पहले बोल लेते हैं फिर लिखते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि ट्यूब को हॉरिजेंटल रखा गया, हॉरिजेंटल मतलब इस टाइप से काहे रखा गया, क्योंकि वर्टिकल रखता तो मोशन कराता लिक्विड का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी नोट करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने चाहा कि उसको नहीं नोट करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड मेरा ये था कि मोशन जो होगा स्ट्रीम लाइन में होगा, स्ट्रीम लाइन मतलब एक लेयर के पैरेलल में दूसरा लेयर, फिर उसके पैरेलल में तीसरा लेयर, इस टाइप से स्ट्रीम लाइन मोशन होती है, ठीक है। और थर्ड ये माना गया कि लिक्विड का जो वाल होगी कैपिलरी ट्यूब का वाल, वहाँ जो लिक्विड का फ्लो होगा वो वेलोसिटी बहुत कम होगा, हम बताते हैं तीनों। तो पहला अजम्पशन मेरा ये था कि द ट्यूब इज केप्ट हॉरिजेंटली ट्यूब इज केप्ट हॉरिजेंटली
so that acceleration due to gravity can be neglected क्या है, तो जीरो ही होगा। फिर दूसरा अजम्पशन हमने ये माना था कि क्या भी फ्लो जो होगी वो स्ट्रीमलाइन होगी, फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। और स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अर्थात लिख दी, इसके बाद लिख देते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ लिक्विड का जो लेयर होगा इज पैरेलल टू ईच अदर। चलिए ठीक है, नंबर थर्ड में मैंने ये माना था कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, नहीं दिख रहा हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम दिखा देंगे बाद में। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज जीरो अलोंग द वॉल ऑफ ट्यूब, ट्यूब के वॉल की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एंड मैक्सिमम एट द एक्सिस पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हम समझते दिख रहा होगा, तो ये अजम्पशंस हैं। इतना दूर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, हम समझते हैं तीनों समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है तो फिगर यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं अभी। देखिए मैंने क्या लिया, एक कैपिलरी ट्यूब लिया, कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला होता है, मैंने यहाँ कैपिलेशन के लिए पढ़ा लिया है, ठीक है। और ये मेरा जो रहा कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। पहला अजम्पशन में बोल रहा है कि हॉरिजेंटल रखना है, मतलब क्षितिज में रखना है, क्यों, ताकि क्या हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू को हम लोग क्या करें, नेग्लेक्ट कर पाए, ठीक है, और जी का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर पाए। दूसरा मेरे पास ये है कि लिक्विड स्ट्रीम लाइन मोशन में हो, मतलब एक के ऊपर दूसरा तीसरा और सब क्या हो, आपस में पैरेलल हो। तीसरा मैंने अजम्पशन ये माना है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज जीरो, मतलब समझ रहे हैं, लिक्विड का वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होगा, जबकि इसका मैक्सिमम होगा कहाँ पे, इसके एक्सिस में। तो ये तीन अजम्पशन माने हैं, बाकी यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए एक छोटा सा लेयर ले लेते हैं, लिक्विड में इधर वाटर फ्लो हो रही है, एक छोटा सा लेयर लेते हैं हम, वाटर का नहीं निकाल रहे, किसी लिक्विड का निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यदि वाटर ही आ जाती है तो फिर आप अपने मन में रखिए, ये मैंने एक लेयर ले लिया, किसका, लिक्विड का जो उसमें पास हो रहा है उसी का लेयर ले लिया, ठीक है। और इस लेयर को लेने के बाद इसका कुछ थिकनेस होगा, तो वो थिकनेस को भी हम लोग यहाँ चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने थिकनेस को भी ड्रॉ कर लिया, चलिए ठीक है। इसका जो रेडियस है ये रेडियस आर है, लेकिन ये छोटा का जो रेडियस है वो एक्स है, और ये वाला डी एक्स है, ठीक है। एक्स हुआ इसका रेडियस छोटा वाला का, अंदर में जो लेयर लिए उसका, और डी एक्स हुआ थिकनेस, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप यहाँ से लेकर के फिगर तक नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर आपके पास वही बना हुआ है, चलिए आगे क्या होता है, जो फॉरवर्ड फोर्स होगी, फॉरवर्ड फोर्स मतलब जो लिक्विड का जिस फोर्स से आगे जाएगी वो फोर्स कैसे आएगी, तो इन दोनों एंड में प्रेशर के डिफरेंस के कारण आएगी, ठीक है।
और वो जो फॉरवर्ड फोर्स आएगी हम उसको ले लेते हैं। उससे पहले आप नोट्स में ये सब कंसीडर कर लीजिएगा, कंसीडर ये कैपिलरी ट्यूब, कंसीडर ये कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कितना है दोस्त, आर, ठीक है। लेट एक्स बराबर क्या, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ क्या, रेडियस किसका माने हम लोग, लेयर का माने, रेडियस ऑफ लिक्विड इनसाइड ट्यूब, और डी एक्स क्या है तो इसका थिकनेस है, आप ध्यान में कितना है दोस्त, थिकनेस। इसके बाद जो फॉरवर्ड फोर्स आएगी ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, फॉरवर्ड फोर्स ऑफ लिक्विड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू इंड, दोनों अंत जो दोनों इंड है छिपा है और यहाँ और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, उसके कारण जो फॉरवर्ड फोर्स आएगी उसको हम लोग मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, वो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, कितना, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर पी मान लेते हैं जो अंतर हुआ प्रेशर वो, और पी कौन सा प्रेशर है, पी इक्वल टू यदि पी वन प्रेशर का लिक्विड इधर जा रहा और यहाँ पे इसका प्रेशर यदि पी टू है तो पी वन माइनस पी टू को हम लोग पी कहेंगे, क्या, पी कहेंगे, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया कितना होगी, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता है जो ये क्या फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है, लेकिन विस्कस फोर्स क्या होगी वो भी यहाँ पे लिखते हैं, विस्कस फोर्स अभी मैंने निकाल के बताया था पिछले वीडियो में, विस्कस फोर्स क्या होती है, तो विस्कस फोर्स होती है माइनस ईटा एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट एट स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो मतलब समझ रहे हैं ना, जब इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं समझे, इधर से जो फोर्स से जा रहा है उधर से अपोज कर रहा है, दोनों बराबर हो जाए तो लिक्विड जैसे के तैसे हो जाएगी, तो उस कंडीशन पे क्या होगी, दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएगी, तो दोनों फोर्स को हम क्या किए, बराबर कर दिए, ठीक है। अब दोनों फोर्स को बराबर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू पुट करना है एरिया का, और एरिया हम क्या लेंगे, तो एरिया में मैंने बताया था पिछला वीडियो में भी, जो एरिया क्या लेंगे, तो लेयर का एरिया लेंगे, मतलब इस कंप्लीट एरिया लेंगे जो मैंने छोटा सा लिक्विड का लेयर कंसिडर किया उसका, ठीक है। तो उसका एरिया लेने के बाद हम क्या पटेगा, यहाँ पे लिख देते हैं पी पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ईटा, एरिया इसका इतना हो गया टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स कैसे, टू पाई एक्स, और इसका लेंथ आप यहाँ पे मान लीजिए एल, ठीक है, तो टू पाई एक्स इंटू एल होगी इसका, और डी पी बाई डी एक्स तो है, क्रॉस जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, और जो बच गया उसको लिख दो पी एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटा एल डी वी अपॉन टी एक्स। इतना दूर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से नीचे दिख रहा है ना दोस्त, चलिए नहीं दिख रहा है, अच्छा साइड में दिख रहा है यहाँ पे, तो लिखते यहाँ पे काम करते जाइएगा कि नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो निकालते हैं, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इस वाले टर्म को इधर भेजो माइनस पी एक्स बाय टू ईटा एल, ये हो गया क्या डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद इस डी वी को रखिए और बाकी को उधर भेज दीजिए पी एक्स बाय टू ईटा एल इंटू डी एच, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, डी एक्स है ना,
किसके लिए? एक लेयर के लिए है, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिख करके डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। और डीवी का इंटीग्रेशन भी इक्वल टू माइनस पी बाय टू ईटा एल इंटू एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू इज फोर, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट लगा, मान लेते हैं सी वन, क्या मानते हैं सी वन। और इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब जितना दूर तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन की है उसके अंदर का कुछ कंडीशन निकालेंगे। तो भी वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। कब जीरो होगा, जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, ए रेडियस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। भी इक्वल टू जीरो होगा कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। लेकिन भी जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा सोचिए, जब एक्सिस पे चल जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अजम्पशन थर्ड के अनुसार, अजम्पशन थर्ड के अनुसार जब ही एक्स इक्वल टू पूरा रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मतलब इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी वाल के नज़दीक में जीरो होती है। इफ़ एक्स इक्वल टू आर हो जाए तो वेलोसिटी पक्का जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो पुट कर देंगे तो मेरे पास ये फंडा आ जाएगा, और यहाँ पे सी इक्वल टू निकल जाएगा कितना, पी आर स्क्वायर बाई फोर इंटा एल, नीचे दिख रहा है। चलिए, खुशी हुई जानकर कि आपको दिख रहा है, ठीक है, पी आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। और इस सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो आएगा वो हम लिखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लाइन पे रहिए और थोड़ा सा देर के लिए इंतज़ार कीजिए। मैंने कहा था आपको कि बार बार आप नोट करते जाइएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू जो आएगा वो सी का वैल्यू पुट करेंगे इसके बाद आएगा, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर बाय फोर ईटा एल प्लस पी आर स्क्वायर बाय फोर ईटा एल, ये आ गया किसका, वेलोसिटी का। अब यहाँ से जो कॉमन आ सकता है उसको ले लो, p बाई फोर इंटा एल तो आ ही सकता है, यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, मैंने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। हमको निकालना क्या था, वॉल्यूम पर सेकेंड निकालना था, और मैंने वेलोसिटी निकाल ली, मतलब भटक गए सीधा सीधे, लेकिन भटके नहीं है, इसका यूज होगा जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो इक्वेशन निकालें वो पाराबोला के आकार का है कि नहीं। पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू फोर ए वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इस प्रकार से होते हैं नहीं पाराबोला के इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर इक्वल टू कुछ है, इसका मतलब ये पाराबोला का इक्वेशन है और पाराबोला का साइड में शो कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्त, वॉल्यूम को निकालेंगे पर सेकेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, यहाँ देख लीजिए आप, क्रॉस सेक्शन एरिया 2πx होगा इसका, ठीक है, और थिकनेस dx है तो 2πx dx क्या हो गई, ये थिकनेस हो गई 2πx dx, ठीक है। और क्या है हमको निकालना, यदि वॉल्यूम पर सेकेंड में है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होती है, एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया, ठीक है, इनटू लेंथ मान लेते हैं एच, और पर सेकेंड है तो टाइम से भागा देना पड़ेगा, और एच बाय टी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे दोस्त, वेलोसिटी।
तो 2πxdx इंटू एच बाई टी को वेलोसिटी बोलेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम वेलोसिटी। अब आप बोलिए कि वेलोसिटी मैंने बर्बाद तो नहीं जाने देना, वेलोसिटी जो निकाली थी उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब उसका वैल्यू यहाँ पे तोड़ मरोड़ के पुट कर देते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे। एक चीज डी एक्स थिकनेस एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ वॉल्यूम कितना लेंगे, डी वी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डी वी लेंगे और वेलोसिटी क्यों लिखें, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, पी बाय फोर इंटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड में जो कुछ भी कट रहा है उसको काट दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। वॉल्यूम डी वी है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम किसके लिए, यहाँ पे ले रहे हैं कितने एरिया के लिए, एक्स डिस एक्स रेडियस के लिए, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे आर रेडियस तक। तो जीरो से आर रेडियस तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी इक्वल टू, यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगी, पाई पी पाई बाई फोर एल पी पाई बाय फोर तो कट जाएगा टू से, इंटा एल इतना बाहर में रहेंगे मेरे पास। इसके बाद यहाँ बचा एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इस प्रकार से, जीरो से आर तक आर स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन करेंगे फिर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स आएगा तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर। ये बात यदि समझ में आ गई तो सब समझ में आ गई। आगे देखिए भी इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है नीचे में ना, चलिए एक ही लाइन लिखेंगे, पी पाई बाई टू इंटा एल आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगी, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू। और यदि आर का भी वैल्यू पुट कर दें तो आर का पावर फोर बाय टू माइनस माइनस, ठीक है माइनस, एक्स क्यूब डी एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स का पावर फोर बाय फोर, और एक्स का पावर फोर भी रख दें और जीरो से आर इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट भी पुट कर दें, तो यहाँ पे आर का पावर फोर बाय फोर आएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कर देते हैं सॉल्व, उसमें क्या तकलीफ है, इधर आप नोट कर लिए होंगे हमको भरोसा है, ठीक है। भी इक्वल टू, भी मतलब क्या, वॉल्यूम इक्वल टू पी पाई बाय टू इंटा एल इंटू आर का पावर फोर कॉमन आ सकता है, आर का पावर फोर कॉमन आ गया, हाफ माइनस वन बाय फोर। आप इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से, आधा में और आधा घटाएंगे कितना बचेगा, फोर में बचेगा पावर नीचे, बाय टू इंटा एल आर का पावर फोर इंटू वन बाय फोर, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो पी पाई आर का पावर फोर बाय एट इंटा एल। आप सोच रहे हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी निकल गया, अच्छी बात है निकल गया, लेकिन ये कब निकला, वॉल्यूम पर सेकेंड, मैंने तो मैथमेटिकली निकाला ना भाई साहब, ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ रहेगी, कैपिलरी ट्यूब का पाई का वैल्यू जानते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, रेडियस तो पता होगा, और ये जो है आपके पास क्या ईटा वैल्यू निकालना, लेंथ तो पता ही होगा उसका, तो सब चीज़ है, बस थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है जिससे प्रेशर डिफरेंस हम लोग को पता चल सके, बाकी सब मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट का रिक्वायर्ड हुआ और वो एक्सपेरिमेंट हम अभी कर रहे हैं, किस प्रकार से होगी देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं, ठीक है। ये मैंने निकाला था वॉल्यूम पर सेकेंड, चलिए तो ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। इसमें जो अपरेटस है क्या क्या नाम है देखिए, इसका नाम है मैनोमीटर, क्या है नाम इसका, मैनोमीटर। और ये मैनोमीटर का काम क्या है कि
ये जो हाइट गई है वो कितनी हाइट गई ये पता कर। इधर भी मैनोमीटर है, यहाँ पे कांस्टेंट लेवल टैंक है। कांस्टेंट लेवल टैंक का मतलब ये है कि इसका लेवल इतने दूर तक है, ठीक है। और यहाँ के बाद ये वाला कैपिलरी ट्यूब स्टार्ट हुआ है, जो हम लोगों ने कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड पास कराया है वो कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे है, ठीक है। और कैपिलरी ट्यूब होने के बाद सब कहानी हो चुका है। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ से इधर से आएगी वाटर, यहाँ तक आएगी, फिर डॉक्टर साहब जिस प्रकार सलाइन कराते समय कम कर देते हैं ना स्पीड, फिर ज़्यादा कर देते हैं स्पीड, वो यहाँ पे लगा हुआ है। जितनी स्पीड आपको चाहिए उतना स्पीड कर दीजिए, इतना स्लो कीजिए ताकि आप घड़ी के टाइम से ये पता कर सकें कितना जा सकें, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ से आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर नोट कर लोगे आप P1, यहाँ का प्रेशर आप नोट कर लोगे P2, तो प्रेशर डिफरेंस तो पता चल गया ना, मतलब एक काम हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद रेडियस, तो रेडियस पता ही होगा, एल लेंथ तो यहाँ पे पता ही होगा कैपिलरी ट्यूब का, और रेडियस वगैरह सब हो ही गया। इसके बाद क्या करेंगे, ईटा निकाल देंगे, वॉल्यूम पर सेकंड कितना जाएगा ये भी इसमें पता कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इस यहाँ स्लो करने का मेथड है मेरे पास। इतना कुछ होने के बाद प्रेशर जो हम लोग निकालेंगे वो हाइट के टर्म में निकालेंगे, तो प्रेशर यूज करेंगे रो GH, या हाइट के टर्म में निकालेंगे यहाँ से कितनी हाइट ऊपर बढ़ी, ठीक है। तो रो GH निकालेंगे, और प्रेशर निकालना है तो रो GH1 रो GH2 निकालेंगे, ठीक है। और इस रो GH को वहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, कहाँ पे, इस फॉर्मूले में। तो ये वॉल्यूम है रो GH पाई आर का पावर 4/8 इंटा एल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ईटा का वैल्यू मैंने हमको निकालना था ना, तो इस ईटा को मैं इधर ले आता हूँ, ईटा इक्वल टू रो GH पाई आर का पावर 4/8 वी एल। अब यहाँ से एक क्वांटिटी दिख रहा है H/V, क्या दिख रहा है H/V, और इस H/V के टर्म में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ठीक है। और वो ग्राफ में क्या हुआ, H/V के ये ग्राफ, इधर से हाइट ले ली, इधर वॉल्यूम ले ली, ठीक है। तो हमको एक चीज पता चला कि ये दोनों रेशियो हमेशा क्या हुई, समानुपाती गई, दोनों रेशियो हमेशा इस प्रकार से गई। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकल गया, फिर लेंथ पता है, रेडियस पता है, ठीक है, लेंथ रेडियस सब पता है, रो जी सब पता है, आराम से काम करो अपना, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होती है, इसका वैल्यू उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ये थी किसके लिए, लिक्विड के लिए, आपको लिखना कहाँ तक है, इसके बाद ये लिखना है, और यहाँ से आने के बाद ये लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है तो हम अभी लिखते हैं। लास्ट में थोड़ा सा क्या हो गई, अंतर हो गई कि ये तो मैंने गैस के लिए निकाला, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप ऑफ द कर्व, दी लास्ट में लिखिएगा दी स्लोप ऑफ दी कर्व, स्लोप ऑफ दी कर्व शोज दी वैल्यू ऑफ H/V, सो ईटा इज कैलकुलेटेड। एक मैसेज आपको देना चाहूँगा, ये तो मैंने किसके लिए निकाली, लिक्विड के लिए, टॉपिक लिखा हुआ था लिक्विड के लिए। गैस के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, और वो अंतर आज का टाइम काफ़ी हो चुका है, तो हम समझते हैं कि अगला में कभी करेंगे, ठीक है। आगे मिलते रहिए हम लोग, ठीक है। मेयर साहब ने उसका मॉडिफिकेशन किया था गैसेस की, मेयर मॉडिफिकेशन अगला वीडियो रहेगा मेरा, ठीक है।